सर मेरे बारे में तो आप सब जानते हैं, अगर आप माइंड ना करें तो आपसे कुछ पूछूं? हाँ हाँ पूछो यार, क्यों नहीं सर। आपकी आपकी वाइफ की डेथ को बहुत साल गुजर गए, दोबारा शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचा आपने? सोचा तो बहुत था यार, लेकिन कोई लड़की मिली नहीं मुझे। बताओ किससे शादी करता? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं आपने शायद लड़की ढूंढी नहीं होगी, वरना आपको लड़कियों की कमी कहाँ हो सकती है। बहुत चाहते होंगे आप अपनी वाइफ को। हाँ तुम यही समझ लो। सर तो सुना है आपकी एक बेटी भी। यार ये सर वाले तकल्लुफात जो है ना, ये ऑफिस तक ही रखो। यू कैन कॉल मी सुल्तान। क्या पूछा तुमने? मेरी बेटी? हाँ मेरी बेटी यार, हाँ वो मेरे इन-लॉज के साथ कनाडा में रहती है, उनसे काफी अटैच्ड है। तो सर आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं? बस यार अब तो आदत सी हो गई है, कभी कभी तुम जैसे दोस्त मिल जाते हैं तो अपने दिल का हाल कह देता हूँ। मेरे फैमिली मेंबर्स तो है नहीं, अब तुम जैसे दोस्त और एम्प्लॉयज ही मेरी फैमिली मेंबर्स हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में इस तरह खुलकर मुझसे बात कर। और सर मैं आपका दोस्त नहीं, आपके भाइयों की तरह हूँ सर। सर मेरी वालदा को बहुत इश्तियाक है आपसे मिलने का, बल्कि सर इनफैक्ट वो तो ये कह रही थी कि वीकेंड पे अगर आप खाने पे आ सकें। वीकेंड पे क्यों, आज क्यों नहीं? सर आप अवेलेबल हैं आज? हाँ ये समझो कि तुम्हारे लिए अवेलेबल। एक्चुअली वीकेंड पे मुझे अपने गांव जाना है, ज़मीनें देखने। तुम चाहो तो हम आज तुम्हारे घर जा सकते हैं। एक्चुअली मुझे भी बड़ा इश्तियाक है तुम्हारी वालदा से मिलने का। सर ये तो बहुत खुशी की बात है, तो सर मैं अम्मी को अभी अभी कह दूं कि हम आ रहे हैं। श्योर जी सर।